अच्छा जैसे हमने कैटेगरीज को डालना सीखा पोस्ट में वैसे ही हम टैग्स को सीखेंगे कि टैग्स को हम कैसे पोस्ट में डाल सकते हैं और दोनों का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दोनों का एक डिफरेंट फंक्शन है तो ये जहन में रखिएगा कि कैटगरीज सर्व अ डिफरेंट फंक्शन वाइल टैग्स सर्व अ डिफरेंट फंक्शन इनकी हमें क्या ज़रूरत है इनको डालना क्यों ज़रूरी है इनसे हम कैसे अपने कंटेंट को ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं ये जहन में रखिएगा इस पर ज़्यादा पढ़िएगा इस पर ज़्यादा रिसर्च कीजिएगा और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कीजिएगा टैग्स का जैसे हमने जिक्र किया टैग्स ये लफ्ज़ आपने सुना होगा या आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे सुनेंगे इट्स जस्ट लाइक नेम टैग जिस तरह आपका एक आई कार्ड इज़ योर नेम टैग वैसे ही टैग्स आर यूज़ टू डिफ़ाइन फाइन ट्यून्ड कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन Uh, करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं और पोस्ट को ज़्यादा तरह से ऑर्गेनाइज करने में यूज़ कर सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वे या सबसे इम्पोर्टेंट uh, चीज़ जो टैग से रिलेटेड है वो ये है कि ये सर्च इंजेंस को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि आपका कॉन्टेंट किस चीज़ के बारे में तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक पोस्ट करते हैं जो कि है सियालकोट और फुटबॉल और ब्रोजुका के बारे में आप इस ब्रोजुका क्या है ब्रोजुका इज़ द फुटबॉल दैट सियालकोट प्रोड्यूस फॉर द फीफा वर्ल्ड कप अब अगर आप एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आप ये सारी कैटेगरीज नहीं डाल सकते इसमें कैटेगरी सिर्फ़ एक होगी विच विल रिलेटेड विच विल भी रिलेटेड टू योर मेन वेबसाइट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वेबसाइट है पाकिस्तान और ट्रैवल और टूरिज्म के बारे में इसमें जो कैटेगरी है वो होगी सियालकोट बट इसमें आप डिफरेंट टैग्स डाल सकते हैं आप रजूका डाल सकते हैं आप फुटबॉल डाल सकते हैं आप ग्लोबल uh, डाल सकते हैं आप सैलकोट भी एज अ टैग डाल सकते हैं सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन टैग्स एंड द डिफरेंट बिटवीन कैटेगरीज ये जहन में रखिएगा इसको प्लीज uh, याद रखिएगा इन केस यू फोगेट कि टैग्स आपको सिर्फ नज़र आएंगे पोस्ट पे और जो कैटेगरीज भी हैं वो आपको सिर्फ नजर आएंगी पोस्ट पे पेजेस पे टैग्स और कैटेगरीज का कोई काम नहीं है लेकिन अगर आप कोई एक स्पेसिफिक प्लगइन यूज करना चाह रहे हैं उसको यूज करते हुए आप टैग्स uh, और कैटेगरीज को पोस्ट पे डाल सकते हैं एक और डिफ्रेंशिएटर जो मुझे जहन में आ रहा है जो शायद आपको uh, नजर भी आए जब आप कोई वेबसाइट्स जाके देखेंगे वो ये कि टैग्स आपको यूजली तौर पे वेबसाइट्स पे सामने नजर नहीं आएंगे कैटेगरीज आएंगी बट मैनी फ्यू वेबसाइट्स ओनली पुट टैग्स इन द फ्रंट जैसा मैंने कहा कि टैग्स का मकसद है मेरे कंटेंट को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना सो वी विल गो टू आवर वेबसाइट एंड वी विल सी हाउ वी कैन यूज टैग्स टू मेक द कॉन्टेंट मोर ऑर्गेनाइज मैं अपनी वेबसाइट पर लॉग इन करूँगा लॉग इन करने के साथ ही आई विल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट सो अब मैं पोस्ट क्रिएट करूँगा अपने शहर के बारे में द सिटी दैट आई लव द सिटी दैट आई बिलोंग टू एंड दिस सिटी इज द सिटी कॉल्ड इस्लामाबाद विच इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान सो इस सिटी uh, के बारे में आई वुड लाइक टू राइट कि इस्लामाबाद इज अ पीसफुल एंड ब्यूटिफुल सिटी और इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे कॉन्टेंट लिख सकता हूँ इस्लामाबाद वॉज फाउंडेड इन द दिक्कटीज It is a beautiful city. It's also the capital of the Islamic Republic of Pakistan and has really good weather and peaceful environment. Or is related, to Islamabad. I will search a picture just to make it more beautiful. सो आल सर्च फॉर अ पिक्चर ऑफ इस्लाबाद एंड लेट सी वे फाइन सो आई लाइक दिस पिक्चर बट आई लाइक दिस पिक्चर मोर बल्कि छोड़ें ये एक मेट्रो की पिक्चर उठा लेते हैं जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है और इसको हम सेव करते हैं याद रखेगा ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ इमेज मे बी सब्जेक्ट टू कापी राइट ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी के कौन से इमेजेज हैं जिन पर कॉपी राइट अप्लाई होता है so मैंने इमेज सेव कर लिया है आई वेल सेट दिस फीचर्ड इमेज अपलोड करके और अब आप देख रहे हैं दिस ब्यूटीफुल इमेज हैज बीन सेट एज माय फीचर्ड इमेज ये यहां पे नजर भी आ रहा है और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इस्लामाबाद क्योंकि कैटेगरी ऑलरेडी बनी हुई है एंड आई क्लिक दिस पब्लिश जैसे ही मैंने पब्लिश क्लिक किया मैं अपनी वेबसाइट पे गया और मैंने देखा कि इस्लामाबाद की ब्यूटीफुल पिक्चर कैटेगरी भी इस्लामाबाद टैग हो गई है कॉन्टेंट भी आ गए फाइन ट्यून नहीं है कॉन्टेंट इफ़ समबडी समी टू फाइंड और इफ़ समबडी वज टू कम टू माई वेबसाइट एंड फाइंड कॉन्टेंट थ्रू टैग्स तो वो नहीं सर्च कर सकता सो आई एम गोइंग टू एड अ फीचर कॉल टैग्स तो यहाँ पर मैं कुछ टैग्स डालूंगा सो आई कैन सर्च और आई कैन एड सिटी और कॉमा से आप टैग्स को सेपरेट कर सकते हैं सो आई एम गोइंग टू क्लिक अ कॉमा and I can add a tag called beautiful. I can add a tag called Pakistan or capital. I can also add a tag called Islamabad. इस तरह से I've added different tags. और ये tags आपको यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं कि अब add हो गए, इनके साथ एक X का निशान है, जिससे अगर मैं कोई tag remove करना चाहूँ, for example beautiful, I can just remove them and I can just click on update. जैसे ही मैंने इस content को save किया And whenever I go to my website, so now you can see tags have been added. This is a way of using tags to make your content more understandable and easy to navigate. So, this is how content really works using tags, and tags can be used to fine tune. Content and make your content more searchable.